हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? अच्छा, तो हम लास्ट लेक्चर में अल्कोहल किए थे। अब मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल कैसे प्रिपेयर होता है मुझे बता सकते हो? फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक कोई सिंगल बच्चा बोलेगा। चलो रिया, बेंजीन और उसके ऊपर OH, उसके ऊपर पोजीशन कहीं पे भी रख देंगे तो भी वही होगा OH। ये फिनॉल क्या है? फिनॉल का दूसरा नेम कोई बता सकता है जिसे पता है प्लीज? ना, बेंजाइल अल्कोहल रॉन्ग है, एनिसोल भी रॉन्ग है बच्चा। हाँ, दूसरा नेमिंग क्या होगा फिनॉल का? हाइड्रोक्सी। किससे अटैच्ड है? हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? हाइड्रोक्सी बेंजीन, आया ना? और एक नेमिंग कोई बता सकता है जो काफी पेपर में बार बार पूछेगा? इसको फिनाइल नहीं है बच्चा, फिनॉल है, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी है। चलो एक नेम मैं ऐड करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। ये विकर एसिड होता है, विकर एसिड, समझ रहे हो? कार्बोलिक एसिड। और वन मोर नेम, इसको बेंजीनॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजीनॉल। और ये नेमिंग ध्यान रखना, कार्बोलिक एसिड करके आता है, फिनॉल करके आता है, ये ज्यादा चलता है, ठीक है? पेपर में भी आया है बोर्ड में, राइट क्वेश्चन, कार्बोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है ना, हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोलिक एसिड फ्रॉम दिस दिस, ठीक है? चलो, तो ये क्लियर हो गया। ये विकर एसिड होता है, ये एक बेंजीन है और इसके साथ क्या है? OH। क्या मुझे बता सकते हो इसमें कार्बन कितने हैं? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, आया ना? और अगर ये रिंग को हटा दिया और मैंने बॉन्ड लगा दिया लाइक दिस, तो बताओ कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? राइट, टेट्रावेलेंट बोले तो चार वैलेंसी होती है। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है बच्चा मुझे ये बताओ? ये कार्बन, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 1 2 3, इसे क्या कर दूंगा? ये कार्बन भी 1 2 3, ये 1 2 3, और ये 1 2 3, और ये 1 2 3, और ये ऑलरेडी 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। आया ना? नहीं ना बाबा, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है? नहीं। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H5OH, और या तो C6H6O। यस मैम, देखो रिंग के साथ अगर यही चीज CH3CH2 OH है ना, ये एलिफेटिक है। हाँ। क्या है? एलिफेटिक। हाँ। और यही ये क्लोज चेन रिंग है, आया ना? हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे OH लगा दिया, क्या लगा दिया? OH। तो ये क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल। देखो ये OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाँ। OH एक फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों? यस और नो? यस। आया ना? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यस और नो? अगर OH एलिफैटिक कंपाउंड के साथ अटेस्ट होता है तो इसे बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और जब यही OH एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? फिनॉल। क्या तुम्हारे को ये फर्क समझ में आया? कब अल्कोहल होगा, कब फिनॉल होगा? मतलब OH का दो रोल है। पहला रोल, अगर एलिफैटिक ओपन चेन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर अटेस्ट हुआ, राइट, ओपन चेन के साथ, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? अल्कोहल। और अगर बेंजीन के साथ OH डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से, राइट, अटेस्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चलो एक तुम्हारे को फंसाता हूँ एक जगह पे, ठीक है ना? तो फंसाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो प्लीज ये नोट कर मुझे, प्लीज। हो गया, वेरी गुड, स्मार्ट। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नेक्स्ट,
यहाँ पे मैं अगर ये कंपाउंड लिया, ये देख रहे हो ये बेंजीन है और ये CH2 है और ये क्या है OH आया ना, और यहाँ पे वापस से मैंने एक बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे एक OH लगाया और एक साथ में मैंने यहाँ पे लगाया मिथाइल। चलो बताओ इसमें कौन अल्कोहल होगा और कौन फिनॉल होगा? कौन अल्कोहल है? अल्कोहल है, वेरी गुड। फिनॉल। और ये क्या है? फिनॉल। ये क्या होगा? फिनॉल। क्यों? क्योंकि ये OH पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है और ये OH डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है ना। इसका एक और नाम भी है पता है कॉमन नेम? बेंजाइल अल्कोहल। यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। और इसका नेमिंग है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, बट ये फिनोलिक तो हो गया, बट इसका एक्चुअल नाम क्या होगा पता है? ध्यान देना, इसको बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं? क्रिसोल। बड़ी अगल बगल है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। क्या बोलते हैं? ऑर्थो क्रिसोल। और नेमिंग करेंगे IUPAC, टू मिथाइल फिनॉल, टू मिथाइल, आया ना, टू मिथाइल फिनॉल। समझ में आया? तो ये तुम्हारे को डिफरेंस पता चला कब अल्कोहल और कब फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है? विकर एसिड, और अल्कोहल न्यूट्रल होता है, वह एसिडिक नेचर में नहीं रहता है। अगर अल्कोहल एसिडिक होता तो कोई, समझ रहे हो, अल्कोहल अगर एसिडिक होता तो कोई, समझ रहे हो, नहीं पीता, हाँ या ना, राइट, समझ गया ना। तो जल्दी से ऊपर भी निकल लेते हैं, और अच्छी बात नहीं है, वैसे भी निकल ही लेते हैं जो अल्कोहल, समझ रहे हो ना। तो धीरे धीरे वो टाइम है ना अपना, समझ रहे हो ना, कम कर रहा है, इसलिए ऐसे चीज़ों से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए वो बना उसके लिए वो बेटर है, लाइक मेडिसिन, ठीक है ना। बट अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं इस चक्कर में। खैर, नेक्स्ट। तो यहाँ पे तो वापस से मैं वही हेडिंग लिख रहा हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा? फिनॉल। यस ऑन नो बच्चा? यस। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं यूज करने जा रहा हूं फ्रॉम क्लोरो बेंजीन, फ्रॉम क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये तुम्हारे सामने है, मैं ले रहा हूँ क्लोरो बेंजीन। ध्यान देना, क्या यहाँ पे? क्लोरो बेंजीन। क्या ये? क्लोरो बेंजीन। अब ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी किया है, मैंने SDA में पढ़ाया है तुम्हारे को मैं याद दिलाता हूँ। देखो क्लोरो बेंजीन, मैं ये ऐसा लिखूंगा तो देखता हूँ कौन बच्चा किक कर जाता है, कौन बताता है मुझे राइट आंसर। ये CL है, ठीक है, और यहाँ पे NaOH है, और यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा, बट यहाँ पे मैं कुछ चीजें गायब कर रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें गायब किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लो क्या है, टी क्या है? टेम्परेचर है, आया ना, और साथ में पी क्या है? प्रेशर। चलो, कोई बताएगा टेम्परेचर क्या है इसका? टेम्परेचर क्या है ना बच्चा? वो तो तुम चले गए वहां पे एनिलीन में, राइट। ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी से टूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ड्यू टू व्हाट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आया ना, ड्यू टू व्हाट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, याद है ना तुम्हारे को, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर क्या होगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होगा टेम्परेचर? ना बच्चा, ना, सिक्स क्लोज हो, सिक्स 23, वेरी गुड, किसने बोला? शाबाश। नेक्स्ट, और प्रेशर क्या होगा? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पेज नंबर 227, SDA, चैप्टर नंबर, ये SDA हैलोजन डेरिवेटिव,
पेज नंबर 227 देखो पिंकी दिखेगी छोटी सी दिखी तुम्हारे को हाँ या ना तो देखो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये डायरेक्ट है डायरेक्ट पता है ना यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन ये जल्दी SN1 SN2 रिएक्शन देता नहीं है या NOH यहाँ पे ये रिएजेंट है तुम्हारा तो यहाँ से ये Cl का बॉन्ड टूटने वाला नहीं क्यों ड्यू टू व्हाट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्योंकि ये लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा हाँ या ना डबल हो जाएगा और ये कार्बन sp2 है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज व्हाट मोर तो ये बॉन्ड शॉर्टर होगा कंपेयर टू व्हाट एलिफैटिक सिखाया था ना इसलिए हेलो अरीन और हेलो अल्केन के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर किसमें होता है हेलो अल्केन अरे बाबा हेलो अल्केन मतलब RX राइट ये वाला कार्बन क्या होगा sp3 होगा ये बॉन्ड लॉन्ग होगा इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर 25% इसमें 33% याद है कुछ yes. yes. तो हमने ये सब किया है ना पहले से yes. आया ना तो यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्म होके मिल गया कंपाउंड राइट यस और नो तो अब ये तीन स्टेप में दिखाऊंगा मैं तो ये तो डायरेक्ट है ना हाँ ये जल्दी से ये मानेगा नहीं बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और या तो अगर टेम्परेचर प्रेशर नहीं देंगे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ला सकते हैं कहाँ पे ऑर्थो पे और कहाँ पे या ना ऑर्थो पे और यस और नो बच्चा आया ना तो इस ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैंने ठीक है ना यहाँ पे कोई ग्रुप ला दिया लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो दिया है 227 तीन नाइट्रो आ गया तो और भी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा दो नाइट्रो आया तो उससे थोड़ा कम टाइम लेगा और सिंगल नाइट्रो पैरा पे आना चाहिए कहाँ पे आना चाहिए तो वो थोड़ा और कम टाइम लेगा याद है ना और विदाउट होगा तो हाई टेम्परेचर तो ABCD मैंने करा के दिया था ये एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है तो सबसे ज्यादा फास्टर रेट ऑफ रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मामले में अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं देख रहे हो ना यहाँ पे क्या ये Cl है और यहाँ पे क्या है NO2 है यहाँ पे भी क्या है NO2 और यहाँ पे भी क्या है NO2 तो ट्राई नाइट्रो और ये सिंगल है ना ये इन दोनों में फास्टर रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसकी हो बता सकते हो रहने देता हूँ यहाँ और लिख देता हूँ यहाँ पे पेज नंबर 227 ठीक है ना ओके और ये वाला sp2 था और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर याद रखना कौन ये हाँ ठीक है ना यहाँ पे लोन पेयर है ना वहाँ पे तो यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन है और टेम्परेचर वही 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक राइट तो पहला स्टेप में क्या होगा पता है तुम्हारे को यहाँ पे फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा किसका फॉर्मेशन होगा फिनोक्साइड यहाँ पे ONA आएगा क्या आएगा ONA अब ये कैसे आएगा ये मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ इसको Na प्लस O माइनस इसको क्या नाम देंगे हम सोडियम क्या बोलेंगे फिनोक्साइड क्या बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड और ध्यान देना और इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन यस और नो ये क्या है क्लोरो बेंजीन अब यहाँ पे देखो ये बैलेंसिंग करके दिखाता हूँ एक्चुअल में NOH यहाँ पे एक्सेस में है टू मॉल ठीक है ना
तो पहला देखो NOH यहाँ पे क्या काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रफली तुम्हें लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये क्लोरोबेंजीन है, आया ना, तो यहाँ पे मैं NOH कितना मॉलिक्यूल लूंगा, दो मोल NOH का, कितना मोल लूंगा NOH का, ध्यान दे। तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ से, इसमें से HOH, ठीक है, HOH निकलेगा। और यहाँ पे ये Cl जो है ना ये टूट जाएगा और ये Na के साथ चल जाएगा। तो पिक्चर में बचा क्या, ओ एन ए, तो ओ आके जुड़ जाएगा इस रिंग के साथ, ओना क्या बन जाएगा, ओना मतलब बेंजीन। और ओ एन ए इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। देखो फिनॉल होता है ना, फिनॉल फिनॉल है ये फिनॉल वीकर एसिड है, अगर इसने अपना एच प्लस दे दिया, आया ना, रिलीज करेगा एक एसिड, क्या करता है एच प्लस को रिलीज करता है। तो ये एच जब निकलेगा तो ये प्लस फॉर्म में निकलेगा, लोन पेयर ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है और इनके बीच में एक बॉन्ड भी है ना, तो ये बॉन्ड देखो यहाँ पे दिखा, ये बॉन्ड भी है राइट। तो ये जब निकलेगा तो ये लोन पेयर को, मतलब ये बॉन्ड जो है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर तीन हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पे जब लोन पेयर तीन हो जाएंगे तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस। अब ये फिनॉल था तो ये फिनॉल से क्या बन गया, फिनॉक्साइड, क्या बन गया, फिनॉक्साइड, हाँ ना। अब मैंने यहाँ पे Na लगा दिया तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, K लगा दिया तो क्या बन गया, पोटेशियम फिनॉक्साइड, हाँ ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये H फॉर्म में निकलेगा, एक एसिड क्या करता है H प्लस को रिलीज करता है, समझ रहे हो ना। तो ये एसिड था और ये बेस था, ये विकर एसिड और ये बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, आया ना, तभी रिएक्शन होगा। एक अगर विकर एसिड लोगे और विकर बेस लोगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एक एसिड क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक बेस चलेगा, और अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे वीक बेस वीक एसिड है तो फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। और रिएक्ट करने के बाद देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे होना, और याद रखने के लिए तुम्हारे को मैं बता देता हूँ, भूल जाओगे तो ये क्या हो गई, अरुणा, क्या हो गई, अरे यार मतलब बेंजीन ना, यार मतलब क्या है, अरीन अरीन, और ओ एन ए राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, एन ए यहाँ पे आके जुड़ जाएगा राइट, अरुणा, क्या बन गया, अरुणा, क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये तुम्हारे को समझ में आ गया स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हें लिखना नहीं, ये तो मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है तुम्हारे कि अंदर क्या हो रहा है, तो ये स्टेप वहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब अगली कहानी में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम S3 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, S3 एसिड हाइड्रोलिसिस, आया ना, ध्यान देना, S3O H3O अब ये वाटर H प्लस और OH होता है राइट, एसिड के प्रेजेंस में, तो ये H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये Na प्लस किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ, और ये H प्लस कहाँ जाके चिपक जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O के साथ क्या आ जाएगा, H, और बगल में क्या आ जाएगा, Na OH, जो बाई प्रोडक्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तुम्हारे बुक में भी देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तुम्हारे को बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे को देखो सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन दिया है, ये तुम्हारा रिएजेंट है NOH, और टेम्परेचर और प्रेशर 623 टू वाट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, फिनॉल बन गया, क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल, क्या बन गया बच्चा, मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, अब इसका एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको डाउस प्रोसेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाउस, ये डाउस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्लियर,
समझ में आया? तो हमने क्लोरोबेंजीन से बनाया क्या? फिनॉल। क्लियर है सभी? यस और नो? चलो नेक्स्ट। चलो आगे चलो। अगला वापस से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर कार्बोलिक एसिड बोला तो कोई नया चीज नहीं है ना, याद रहेगा ना? फिनॉल को क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। ठीक है, चलो फिनॉल प्रिपेयर करना वापस से। अब सेकंड मेथड है फ्रॉम, वो क्लोरोबेंजीन था राइट। अब इस बार मैं लेने जा रहा हूं क्यूमिन। क्या लेने जा रहा हूं? क्यूमिन। इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ध्यान रखना। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे ड्रॉ किया जाता है देखो ध्यान से। ये सी एच है, यहाँ पे मैंने ये बेंजीन है और यहाँ पे सी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा सी एस थ्री, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा सी एस। ठीक है, और यहाँ पे ये ओ है, और फिर यहाँ पे क्या है एच, क्या है ध्यान देना। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमिन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर है ना एयर, मतलब ऑक्सीजन पास करेंगे, मतलब एयर पास करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा फोटो राइट। और यहाँ पे कोबाल्ट नेफ्थिनेट, कोबाल्ट नेफ्थिनेट, और 423 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे अगर तुम देखोगे तो इस ऑक्सीजन पे लोन पे आ जाए कितने हैं, दो दो आ जाना, समझ रहे हो ना राइट। ये क्यूमिन है, ये क्या बोलते हैं इसको क्यूमिन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पता है ना, सीएल हट सीएल रखेंगे यहाँ पे राइट। बेंजीन के अगर बगल में क्या रखेंगे, मतलब बेंजीन की जगह पे सीएल, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो सीएल हटा के बेंजीन लगा दिया तो क्या बन गया क्यूमिन बन गया। क्या बन गया क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसमें एयर पास करें, अब एयर पास होगा तो ध्यान देना यहाँ पे ये देखो बच्चा, ये यहाँ पे ये इसके अंदर ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक कार्बन पे, फ्री रेडिकल क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। और इनके भी बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल। और फिर उसके बाद क्या होगा मालूम है, ये फ्री रेडिकल से ये मिल जाएगा और ये फ्री रेडिकल से ये मिल जाएगा, और मिलने के बाद देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। पहले ये स्टेप सभी को समझा, O2 डाला, एयर एयर है तो एयर से क्या मिला O2, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन, और O2 जाके इस CH के बीच में जुड़ जाए, देखना अभी क्या बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ऊपर CH3, फिर यहाँ पे भी क्या है CH3 आया ना, और बीच में दो ऑक्सीजन। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा हाइड्रोजन। देखो CH के बीच में ये दो ऑक्सीजन इंटर कर गया, दो आंखें जैसा हो गया, दो आंखें राइट आया ना, कुछ नहीं किया मैंने। देखो ये जाके यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे इसलिए नहीं अटैक किया पता है ना, मिथाइल आया ना, तो ये CH पे जाके इसने अटैक कर गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट करके CH के बीच में O2 चिपक गया, और इसको बोलते हैं क्यूमिन। क्या बोलते हैं क्यूमिन, हाइड्रो क्या बोलते हैं पेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्लियर है बच्चे? यस और नो?
ये बन गया क्यूमीन हाइड्रो। फिर नेक्स्ट वापस से अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एसिडिफिकेशन H प्लस, तो यहाँ पे HCl डालेंगे, क्या डालेंगे राइट, ओके HCl ऐड करेंगे राइट, वो भी क्या डाइल्यूट, क्या लिखा है डाइल्यूट HCl। तो ये एसिड क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें मैकेनिज्म भी है, यहाँ से मैकेनिज्म भी चालू होता है, अगर चाहोगे तो वो भी मैं ऐड कर दूँगा ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना, मैं यहाँ पे एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ ठीक है। ये बॉन्ड देखो ध्यान देना, जब एसिडिफिकेशन करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे है ना ये बॉन्ड यहाँ से हम मूव कराएंगे यहाँ पे ठीक है, यस ऑर नो, और ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के ये यहाँ पे ऐसा जोड़ दो। देखो मैंने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे इसके बीच में CO के बीच में आ जाएगा, और इस मैथड को कमर्शियल मैथड भी बोला जाता है, कमर्शियल पता है, ये बल्क में इंडस्ट्रीज में यही मैथड यूज करते हैं फिनॉल बनाने के लिए ज्यादा करके, क्योंकि इसमें फिनॉल भी बनता है और साथ में बाय प्रोडक्ट जो है ना एसीटोन फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा। तो देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये OH बेंजीन के साथ जोड़ दो, आया ना, और यही चीज ये बॉन्ड को घुमाओ दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं एसीटोन, और ये क्या बन गया फिनॉल, आया ना, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये बोर्ड में लिखना है। अभी देखो लास्ट ईयर 2020 अभी टू में ये क्वेश्चन MCQs में आया था, ऐसा लिख के दिया था MCQs में, क्यूमिन राइट इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट एयर राइट एंड कोबाल्ट नेक्टिनेट जो भी था ठीक है ना, वो तो लिखा नहीं था, एयर लिख के टू फॉर्म व्हाट क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड अगेन इट इज व्हाट एसिडिफाइड टू गिव डैश डैश डैश, और ऑप्शन में दिया था क्लोरोबेंजीन फिनॉल, और भी एक दो ऑप्शन दिया था, इसका राइट आंसर क्या आएगा फिनॉल, समझ गए ना, ऐसा MCQs में आया था। और एक मजे की बात, इस बार के पेपर में राइट, इस बार के नहीं, ये लास्ट 2022 में एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब कन्वर्जन में राइट, ABCD ऐसा टाइप दिया हुआ है, और उसमें भी बीच में ये स्टेप कोड डाला है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हारे ठीक है ना। तो एडवांस में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ में आया तुम्हारे, यस और नो, कोई डाउट है किसी को, चलो इसी का मैं मैकेनिज्म भी ऐड करता हूँ यहीं से ठीक है, इसी पेज पे रखता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये पूरा पार्ट यहाँ तक सेम रहेगा ठीक है। देखो उस पेपर में जैसे एडवांस में मैं एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन का एक थोड़ा सा टाइप लेना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन बच्चा इसका आंसर दे रहा है, चलो कोई बता सकते है इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसे देखा और इसे देखा तो मुझे किसका ख्याल आया, 11th में लेके जा रहा हूं मैं, कोई बताना चाहेगा, दिस इज कॉल्ड ऑल क्लियर अनहाइड्रस, अनहाइड्रस AlCl3 है, चलो हिंट देता हूँ, हंसा 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 में एक है, हंसा की फैन एफ एफ से ये नाम जाना जाता है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक ये दो और ये तीन है, आ जाना, और ये AlCl3 लुईस एसिड है, क्या है ये बॉन्ड तोड़ लेगा और ये AlCl उधर चला जाएगा माइनस बन के, तो ये कार्बन पे क्या जनरेट हो जाएगा प्लस, ये कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, आया ना, इन कार्बन है ना, हाँ। ये कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, बट ये इसकी डिग्री क्या है 1, और जब भी कार्बोकोटाइन बनता है तो शिफ्टिंग होता है, हाँ। तो यहाँ का अगर मैं H यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे
तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। आया ना, 2 डिग्री हो जाएगा ना बच्चा। देखो ये एडवांस में ही दिया था ये क्वेश्चन, समझ रहे हो राइट। और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी क्योंकि अल्फा एच बढ़ जाएगा। अल्फा एच 3, 3, 6 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 डिग्री में अल्फा एच कितने हैं, 2 है। आया ना, पता है ना राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ये अटैक करेगा बेंजीन पे, किधर, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा 2 ऑप्शन दे देगा, अगर एक ये दे देगा, यही हुआ ना CH CH3। देखो क्यूमिन का फॉर्मेशन बताया मैंने कैसे हुआ, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एक ऑप्शन ये भी दिया तो राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा, ये होगा ना, क्योंकि मोर स्टेबल ये है ना 2 डिग्री। समझ में आया, गया आया ना। और यही चीज है ना, उन्होंने क्या दिया था मालूम है, पहले इथाइन दिया था, क्या दिया था, राइट, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो क्या बन जाता है, बेंजीन। वेरी गुड, शाबाश, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप में अल्काइन रखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH और रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर नहीं जा दिया था जबकि 873 केल्विन होता है तो बेंजीन बनता है। फिर बेंजीन के बाद ये स्टेप रखा था रिएजेंट, तो ये बना क्यूमिन। फिर क्यूमिन के बाद क्या किया हमने, तो ये मेन प्रोडक्ट है ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग है, समझ रहे हो ना। तो ये फिर क्यूमिन के बाद उन्होंने क्या किया, O2 रखा, तो ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, आया ना। फिर लास्ट में फिनॉल बना, और फिनॉल के बाद इसमें मालूम है उन्होंने एसिटाइल क्लोराइड रखा था और पाइरिडिन डाला था जिसमें एस्टरीफिकेशन होता है, क्या होता है, ये तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं से कुछ नहीं है, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है ना, यही बोले तो यही पूरी तरह से, जब वो NCERT को भी मिला लो तो वही है ना। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जब पढ़ रहे हो तो एक बार तुम NCERT के बुक को जरूर रीड किया करो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, एंट्रेंस में अगर अच्छा करना है। यही सब कुछ चीज़ें सेम है, खाली बस थोड़ा थोड़ा वो डिटेल में है ना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, राइट, समझ रहे हो, हाँ या ना। तो मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है ना, ओके। तो रीड किया करो, टेक्स्ट बुक को पढ़ा करो, और क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है। देखो एडवांस के भी क्वेश्चन ऐसे ही है, इजी, सीधा सीधा बुक, डेली डेली रिएजन को याद करने का 10-15 मिनट, कैसे रिएजन याद करते हैं, लाइक 220 पेज ओपन करो, सभी लोग टेक्स्ट बुक में करो ओपन 220 पेज, देखो पेज नंबर 220 ओपन करो, वहाँ पे दिखेगा तुम्हारे को RX कॉमन है और अलग अलग रिएजेंट है, आया ना, NaOH KOH राइट, NaOH KOH है, फिर अमोनिया है, AgCN KCN AgNO2 है ना, AgCN, यस और नो, आया ना। और रोना भी तो है वहाँ पे, राइट, और फिर वहाँ पे सॉल्ट ऑफ व्हाट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, राइट। तो ये रिएजेंट अलग अलग है बट प्रोडक्ट सबके अलग अलग, कोई अल्कोहल दे रहा तो कोई अमाइन दे रहा है। ये डेली डेली ना 10-15 मिनट डेली पढ़ा करो, ऐसे शॉर्ट करे ना, ऐसे बना के, बाकी जैसे अभी सोर्स रिएक्शन है, फिंकलस्टीन से RX कॉमन है, उसमें रिएजेंट अलग है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, फिर वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऐसे छोटे छोटे तुम अपने राइटिंग में लिख के रखो, तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है, मैंने तो दिया ही है तुम्हारे पास आइडियाज। डेली 10-15 मिनट इसको ना देखा करो, इसमें ये डालेंगे तो ये बनेगा, देख लो ये 1 वीक तुम कंप्लीट करो ये चीज डेली। 2 चैप्टर का मैं टारगेट दे रहा हूँ, एक है SDA और एक है अमाइंस। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हारे से क्वेश्चन आंसर करूंगा वाइवा, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा जो बोर्ड के PYQ क्वेश्चंस है, तो ये पढ़ के आना है, हर बैचेस में मैंने बोला है पढ़ के करना है ये कंप्लीट। और तुम लोग याद रख लो, हर बैचेस में करके आएंगे पढ़ के, तुम्हें भी पढ़ के आना है संडे, कौन से चैप्टर, SDA और अमाइंस। और ये चीज़ 10-15 मिनट जो है ना रिएजन डेली याद करने का, ये डेली देखा करो, डेली क्या बन रहा है, क्या रीजन डाला, क्या बना, अल्कोहल में ये डाला तो क्या बना, तुम करके तो देखो, डेली अच्छे से याद करो, लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो, 10-15 मिनट टाइम दो, ज़्यादा टाइम मत दो, मैं ये बोल रहा हूँ बाकी के भी सब्जेक्ट है ना, बट 15 मिनट देखो ना, ये 1 वीक में मेरे को ना बाद में तुम्हारे से फीडबैक चाहिए, क्या कैसा लगा तुम्हें, कैसे याद हो रहा है, तो मुझे आके बताना नेक्स्ट वीक में संडे को कि तुम्हारे को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर देख लेना और फटाफट क्लियरिटी आएगा, समझ रहे हो, ये करोगे ना सभी लोग, पक्का करोगे सभी लोग, तो ये अगले लेक्चर में तुम करके आओगे और मुझे देखना है,
मुझे पता चलेगा। और ये डेली प्रैक्टिस करना और रात में सोने से पहले 2 मिनट वापस से याद करना कि अरे वही ऑर्गेनिक का रिएक्शन था, वही आरएक्स था, वही रिएजेंट था, वही प्रोडक्ट बिना देखे और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर गुड नाइट बोल के अपने आप को सो जा, समझ लो ना। देखो ऑर्गेनिक याद होगा, ये मेरा दावा है, बट सच्चे मन से, हाँ समझ रहे हो ना। चलो अब ये मैकेनिज्म भी मैं इसका ऐड कर देता हूँ, तो ये पार्ट को उठा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो बच्चों लोग, ये सीएस था, ये CS3 था और यहाँ पे भी क्या था, CS3 था, आया ना। और यहाँ पे क्या था, O और यहाँ पे क्या था, H, क्यों मैंने हाइड्रोपेरोक्साइड से ले रहा हूँ। अब इसमें जब HCl आता है इसका रोल क्या होता है HCl का, तो HCl अपना क्या देता है, H+ देता है। ध्यान देना बच्चा, ए यहाँ पे ध्यान देना, ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये लिखना नहीं है बोर्ड में बट समझने के लिए, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आ चुका है इसके ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर है, दो लोन पेयर आया ना, दो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इसको क्या कर लेगा, प्रोटोनेट कर लेगा इसको H+, ये भी कर सकता है बट ये करेगा, क्यों ये करेगा, तो ये H2O बन जाएगा और H2O एज अ लाइक व्हाट, OH3 बन जाएगा, OP+ आ जाएगा ना H2O, तो वो क्या हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पर बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये H इधर नहीं अटैक करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देना ए बच्चू, यहाँ पे ये CS3 है और यहाँ पे क्या है, CS3 और यहाँ पे क्या है, O और यहाँ पे H, यस और नो, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा और यहाँ पे क्या हो गया, H जुड़ गया, बढ़िया, ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया, IH, उस ऑक्सीजन ने इसको प्रोटोनेट कर लिया, राइट, प्रोटोनेट करते ही ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल। अभी अपने आपको चाहेगा कि मैं क्या करूं, स्टेबल हो जाऊं, आया ना। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, कौन, ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन से ये बॉन्ड तोड़ के ले लेगा, क्योंकि एच से तो बैक नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ के जब निकालेगा ये वाला बॉन्ड, देख रहे हो ना ये बॉन्ड, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये ऑक्सीजन के ऊपर, इसके पास दो एच तो है और एक लोन पेयर यहाँ पे है, देख रहे हो ना ये लोन पेयर, आया ना ये लोन पेयर, और ये वाला बॉन्ड का भी लोन पेयर इसको मिल गया, ये स्टेबल हो गया, बट ये ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल। ध्यान देना बच्चा, क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बता। और ये ऑक्सीजन पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है ना बच्चू, दो लोन पेयर है, आया ना, बट उसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तोड़ के लेके गया वो, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गई, दो दो चार दो छह, आया ना, तो अभी छह ही बॉन्ड, मतलब छह इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पे वो पे क्या चमकने लगेगा, प्लस। क्या ये स्टेप सभी को समझना है, पहले देखो H ने कहाँ पे अटैक किया, ये ऑक्सीजन इसको प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करते ही हो क्या हो गया, ऑक्सीजन अनस्टेबल, बोले तो इसका दर्द इसने ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया, दर्द बोले तो दर्द है डिस्को, अरे दर्द है डिस्को बोले तो ये H पे क्या है, प्लस, H क्या है, हीरो है ना, हीरो नंबर 1, तो इस हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस है, प्लस बोले तो चार्ज, अच्छी बात नहीं, दर्द में है वो, दर्द में, तो उसके दर्द को उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन दिया, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और अपने साथ उसने जोड़ लिया, राइट, बट उसको इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में खुद का इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया ना हाइड्रोजन के पास और एक उसने अपने पास रखा, तो उस पर प्लस आ गया, अब दर्द कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, फिर अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, कौन, ऑक्सीजन, अब वो चाहेगा कि भाई मैं अपने आप को स्टेबलाइज करूँ, तो ये बॉन्ड वापस एच से तो बैक नहीं करेगा, तो वो इधर का बॉन्ड तोड़ लेगा, ओके बीच में का, और तोड़ के खुद लेके निकल लिया और वो खुद स्टेबल हो गया, बट उसके चक्कर में ये ऑक्सीजन बिचारा क्या हो गया, ठीक है ना। चलो अब आगे का पार्ट, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी आगे, ठीक है ना, राइट। तो अब यहाँ पे ये स्टेप में आएंगे, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब मजे की बात, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये शिफ्टिंग, शिफ्टिंग बताया था ना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, राइट, सबसे आगे होता है H माइनस, फिर आता है PH माइनस मतलब फिनाइल, और उसके बाद आता है मिथाइल माइनस,
इन तीनों में सबसे आगे कौन होता है ऑर्डर में? H माइनस, राइट। शिफ्टिंग में H सबसे पहले जाएगा। H को मैंने क्या बनाया है? पतलू। और मिथाइल को मैंने क्या बनाया? मोटू। याद है ना, राइट। तो ये H और मिथाइल से भी आगे कौन निकलेगा? पीएच, राइट। आया ना पीएच, ठीक है ना, क्लियर है ना, राइट। तो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है। तो ये H, अब यहाँ पे इस पिक्चर, अब इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे H तो है ही नहीं कहीं, H है बट कार्बन के साथ, बट वो CH3 है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये भी क्या है? CH3 है। और ये क्या है? PH है। PH मतलब बेंजीन। तो बताओ इस ऑक्सीजन के दर्द को कम करने के लिए कौन शिफ्ट होगा यहाँ से बॉन्ड तोड़ के? ये PH होगा कि मिथाइल होगा? मैंने ऑर्डर लिख के रखा है बच्चा, ऑर्डर मैंने लिख के रखा है। तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेगा, कौन? ये बॉन्ड तोड़ लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल देगा, और चलने के बाद CH3 आया ना, CH3, यस और नो? और उसके आगे फिर क्या हो जाएगा? ये O के साथ, देख रहे हो ना, तो ये O का लोन पेयर है दोनों, देखो हाँ बच्चा। और ये जो बेंजीन जुड़ा है ना, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये देख रहे हो ना, ये हाँ। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जुड़ गया, ये जुड़ते ही ऑक्सीजन क्या हो गया? उसका दर्द खत्म कर गया। देखो ऑक्टेट हो गया ना, दो दो चार छह दो आठ, हर एक एटम की तमन्ना होती है क्या होने की? स्टेबल। स्टेबल कब होगा? जब ऑक्टेट कम आया ना। और यहाँ पे ये कार्बन पे क्या चमकने लगेगा? उसका दर्द, देखो दर्द बोले ना, ट्रांसफर होते जा रहा है, कभी हीरो के पास था तो कभी ऑक्सीजन के पास आया, अब किसके पास आ गया? वापस से कार्बन के पास आया ना। ए बच्चा क्लियर हो रहा है? यस और नो? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान देना अब इस कहानी में अगला स्टेप। अब तुम सोच रहे होगे कि मैकेनिज्म को ज्यादा ही बड़ा है, बेटर है कि हम वही वाला शॉर्टकट लिख लेंगे, बराबर ना। बट इस कॉन्सेप्ट में ये चीज सीखने को मिला तुम्हारे को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है जेई में, मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे वाटर HOH, ए ध्यान दो बच्चा, ये OH नेगेटिव है, H क्या है? पॉजिटिव, राइट, यस और नो? तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये देखो ध्यान देना बच्चा, ये H प्लस किधर ट्रांसफर होगा? इसको ये सपोर्ट करेगा, कौन कौन सपोर्ट करेगा? ये मैं एक ही साथ यहाँ पे एक सिंगल स्टेप है बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दो स्टेप यहाँ पे फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर है ना, ठीक है, ये इधर आ गया। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अलग कलर में दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे ध्यान देना, तो ये है ना, इसको प्रोटोनेट कर देगा, राइट, एच ऑक्सीजन, और ये एच आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये प्लस पे ये क्या हो जाएगा? ये ओ एच माइनस आ जाएगा। ये ध्यान देना, दो स्टेप है, सिंगल सिंगल, बट मैं एक ही साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस से क्या होगा? सी एस थ्री, फिर सी एस थ्री, यस। और यहाँ पे ओ के साथ क्या जो है जुड़ जाएगा? यहाँ पे ओ है ना, राइट, और यहाँ पे ऑलरेडी बेंजीन जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। और इसके साथ कौन आके जुड़ गया? H, ये गया। और इस पिक्चर में इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? ठीक है ना, यस और नो? और नेक्स्ट स्टेप में अगर तुम देखोगे, ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये बेंजीन के साथ OH आ गया, आ गया ना, आया ना, आ गया ना बच्चा। और यहाँ पे ये H जो है ना, ऐसा ऐसा देखो, कैसा ऐसा, बट ये ऑक्सीजन ने अपने साथ जोड़ने के लिए उसने क्या कर लिया? इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया? लोन पेयर दिया ना एच को, तो उसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खर्च किया, तो इस ऑक्सीजन पे क्या जनरेट हो गया? प्लस, आया ना, प्लस जनरेट हो गया। अब ये अनस्टेबल हो रहा है, यस और नो, राइट, कौन? ऑक्सीजन। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? और यहाँ पे तुम्हारे को पता ना, यहाँ पे कौन है पिक्चर में? OH, और वो पे लोन पेयर है इसका, आया ना, समझ रहे हो, लोन पेयर है इसका, ठीक है।
ठीक है। राइट, तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा कि यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, अब ये बॉन्ड तोड़ के ले लेगा यार। और ये कार्बन पूरन क्या होगा, अनस्टेबल, इसके ऊपर प्लस आने लगेगा। तो ये वाले को हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, समझ रहे हो ना। और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड देख रहे हो ना, ये ऐसा हो ना बच्चा, ये बॉन्ड ये जो बॉन्ड है ये वाला कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रांसफर होते ही वो क्या हो जाएगा, CH3। ध्यान देना, ये वाला लोन पेयर है राइट ऑक्सीजन के साथ, और ये लोन पेयर दो उसका है यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे क्या बन गया, एसीटोन। और बचा हुआ ये वाला भी क्या हो गया, क्या बन गया बच्चों, OH। और ये बॉन्ड पे लोन पेयर आ गया इसका, ये इसका मैकेनिज्म पार्ट था, काफी बड़ा था ना, वो है। बट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना, ये माइग्रेटरी वाला, ठीक है ना, सेफ्टी, ये इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको कराया क्योंकि जरूरी था, ठीक है। तो सभी को समझ में आया, दो मेथड बताया मैंने, एक क्लोरोबेंजीन से फिनॉल और एक क्यूमिन से फिनॉल, ठीक है ना।